हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जो कि बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड से रिलेटेड। दोस्तों मैं आज के दिन की बात करूँ तो इसमें 4.26% की हमें गिरावट देखने को मिली है केवल एक दिन आज के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं मैं पिछले अगर 5 डे की बात बताऊँ तो यहाँ पर पिछले 5 डे से ही लगातार इसमें गिरावट हो रही है। पिछले 5 डे में इस स्टॉक में लगभग हमें 10% के राउंड फिगर में हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों वहीं मैं पिछले 1 मंथ की बात बताऊँ तो पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक में मतलब कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 1 मंथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे पिछले 1 मंथ का, इसमें लगभग 5% से अधिक का गिरावट हमें देखने को मिला है। दोस्तों इस एक्चुअली बात यह है कि लोगों ने उम्मीद बना कर रखा था कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का रिजल्ट यानी कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही धकड़ आएगा, लेकिन उस हिसाब से आया नहीं, जिसकी वजह से इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे इसमें हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मौका मिल रहा है खरीदारी करने का, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो हम जहाँ तक इसमें हर गिरावट में अगर थोड़ा बहुत क्वांटिटी खरीद के अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए मैं पिछले अगर लॉन्ग टर्म की यहाँ पर चार्ट देखें तो जैसे कि मैं आप यहाँ पर बताऊँगा पिछले अगर लॉन्ग टर्म की चार्ट देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगभग इसमें 5700 से अबव का रिटर्न दिया है। दोस्तों फिगर परसेंटेज में है, आप देख सकते हो कितने ज़बरदस्त रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। वहीं इसका मैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बात करूँगा तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अभी जून क्वार्टर का ही रिजल्ट अपडेट है, यहाँ पे सितंबर का अपडेट नहीं है। तो चलिए हम सितंबर का रिजल्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मनी कंट्रोल की साइट पे यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट हम, तो यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 81,600 से अधिक करोड़ का देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वहीं इस स्टॉक का इंडस्ट्री का पी रेशियो की बात करेंगे तो 66.91 दिख रहा है, जो कि इस स्टॉक का पी रेशियो मात्र 47.55 हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। वहीं इसका फेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 रुपया देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक से रिलेटेड हम थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट भी की बात देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट है मनी कंट्रोल की साइट पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगभग 3,419 का यहाँ पे हमें सेल्स दिखाया है, जो कि पिछले क्वार्टर से यानी जून क्वार्टर के लगभग सेम ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ तक 1 करोड़ की यहाँ पे हमें लॉस ही देखने को मिल रहा है इस सितंबर क्वार्टर में, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक बहुत ही फंडामेंटल है, आप चाहें तो हर गिरावट में आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी अपने में, एक बात कहूँ कि अगर अपने पोर्टफोलियो को 10% अगर इसमें अगर आप होल्ड करते हो ना तो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपको ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न दे सकता है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही फंडामेंटल है। और भी थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर लगभग 495 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से जून क्वार्टर से हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें गिरावट हो रही है इस स्टॉक में। लेकिन एक गिरावट ज़्यादा दिन तक होगी नहीं, वो भी बताऊंगा कि इसका हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल। वहीं थोड़ा सा चलिए हम रिजर्व एंड सरप्लस भी देख लेते हैं कंपनी के पास कितना है। तो यहाँ पर देखिए रिजर्व एंड सरप्लस पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल मतलब ठीक ठाक है, पिछले साल से ज़्यादा ही है। पिछले साल 4200 से अबव के था, जबकि इस साल 4300 से अबव का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं मैं बात करूंगा यहाँ पे मतलब यहाँ पे डेब्ट का लाइबिलिटी का, तो यहाँ पे लगभग 900 से अबव का देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे करेंट लाइबिलिटी हमें 2500 से अबव का देखने को मिल रहा है। वहीं मैं फिक्स एसेट से रिलेटेड बात करूंगा तो यहाँ पे हमें फिक्स एसेट भी पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल बढ़ चढ़ कर कंपनी ने दिखाया है, जो कि यहाँ पिछले साल 1659 करोड़ का था, जबकि इस साल हमें 1778 करोड़ का फिक्स एसेट देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर देखिए प्रमोटर का होल्डिंग जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बनाया, लगभग 50% से अबव का है। वहीं इसमें FII की होल्डिंग 16% से अधिक हमें देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ना के बराबर होल्डिंग है इसमें। वहीं इंश्योरेंस कंपनी का 4.62% की होल्डिंग हमें देखने को
मिल रहा है इसमें। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में अपना होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज किया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले जून क्वार्टर में 6.13 था, जबकि इस क्वार्टर में यहाँ पे दोस्तों घटा दिया म्यूचुअल फंड, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 6.07 था जून क्वार्टर में, जबकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमें सितंबर क्वार्टर में 6.48 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग को इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज ही किया, घटाया नहीं है, ये हमें सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे कि इस क्वार्टर का रिजल्ट आया दोस्तों सितंबर क्वार्टर का, इसमें स्टॉक में थोड़ा सा हमें लगभग 20% से अबव हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, इससे भी ज़्यादा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खरीदारी कर सकते हो ताकि आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। तो चलिए एनएससी के साइट पे भी थोड़ा सा इस स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एनएससी के साइट पे आएंगे, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि 52 वीक लो की बात करता हूँ, यहाँ पे 2100 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था मार्च में, जब देश में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, वहाँ से स्टॉक लगभग 4000 क्रॉस कर दिया था दोस्तों, जो कि 52 वीक हाई है इसका, ये सबसे बड़ी बात है। ये जुलाई में किया था 21 तारीख को 4000 को क्रॉस इसने किया था दोस्तों। वहीं इसका फेस वैल्यू एनएससी की साइट पर हमें 1 रुपया देखने को मिल रहा है। वहीं हम देखेंगे आज के दिन कितने परसेंट लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा है, तो यहाँ पर देखिए जबरदस्त तरीके से डिलीवरी उठाते हुए इसमें हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 36% से अधिक लोगों ने इस स्टॉक को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। वहीं देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए जून क्वार्टर का रिजल्टिंग अपडेट है। यहाँ पे देखिए इस साल सबसे बड़ी बात है कि जबरदस्त तरीके से डिविडेंड दिया है कंपनी ने। सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड दिया था अप्रैल में, जबकि यहाँ पे 35 रुपये प्रति शेयर दिया था दोस्तों। वहीं मैं बात करूँगा यहाँ पे अगस्त में फिर से एक बार इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया था 83 रुपये प्रति शेयर। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त तरीके से डिविडेंड दिया है कंपनी ने। वहीं थोड़ा सा यहाँ पे देखें क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस नहीं है दोस्तों, ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसका मैं बात करूँगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का इस स्टॉक का, तो यहाँ से हमें इसका 3325 का देखने को मिल रहा है, जो कि लेकिन यहाँ तक स्टॉक आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो अगर इसको क्रॉस करके नीचे आता है देन हमें 3000 का भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं दोस्तों। ये हमें जहाँ तक लगता है एक या दो ट्रेडिंग सेशन में और हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है, देन स्टॉक ऊपर ही की तरफ जाने वाला है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।